नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपको एक और नए वीडियो में। और अभी हूँ मैं प्रयागराज, जो कि पहले इसका नाम देखा जाए तो सन 1500 में प्रयागराज ही था, लेकिन मुसलमानों के राजा द्वारा ये चेंज करके इसे इलाहाबाद रखा गया। और सन 2018 में फिर से योगी आदित्यनाथ द्वारा इसको चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया। और ये प्रयागराज काफ़ी फेमस रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी यात्री उतरते हैं कुंभ मेले के लिए। इसके वजह से यहाँ पे जब भी मेला लगता है कुंभ का, चूँकि अभी लगा भी है मेला, तो इसके कारण काफ़ी लोग यहाँ पे मतलब दूर दूर से आते हैं, जिला से, राज्य से और अनेकों राज्य से यहाँ पे लोग आते हैं और तीर्थ स्थान करते हैं, क्योंकि ये कुंभ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज इसी रेलवे स्टेशन की मतलब हम परिक्रमा करवाएंगे आपको, मतलब वीडियो के माध्यम से, कि चलिए दिखाते हैं कि कैसा है साफ सुथरा और टिकट काउंटर और कितना प्लेटफार्म की संख्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। सो आप अंत तक जुड़े रहिएगा वीडियो में और ले चलते हैं डायरेक्ट प्लेटफार्म पे। तो ये है तिरंगा का चित्र और देखिए कितना अच्छा फ्लैग लहर रहा है। जहाँ पे भी रेलवे स्टेशन होता है तहाँ पे भी ये तिरंगे का चित्र देखने को मिलता है। और देखिए यहाँ पे साइड में ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है, आप देख सकते हैं वीडियो में, और आगे भी आपको दिखाएंगे। देखिए इधर बाइक विक सब लगाई जाती है। और इसका प्राइस की बात करें, अगर बाइक कोई भी व्यक्ति लगाता है तो 10 रुपये पे करना पड़ता है उसके लिए, और फोर व्हीलर के लिए 20 रुपये पे करना पड़ता है। और देखिए सभी लोग अपना हेलमेट वेलमेट निकाल कर रखें। चलिए चलते हैं आगे की तरफ और कुछ दिखाते हैं आपको अनोखा दृश्य, क्योंकि इलाहाबाद रेलवे स्टेशन, सॉरी प्रयागराज रेलवे स्टेशन, आप कभी आते हैं तो यहाँ पे आप भूलेंगे भटकेंगे नहीं, जो कि हम वीडियो में बताएंगे कि कहाँ पे है टिकट काउंटर और कैसा है। तो चलिए आगे वीडियो में बने रहिए। को लोगों दिख रहा होगा प्रयागराज जंक्शन का, और कुछ लोग हैं यहाँ पे और काफ़ी लोग स्नान के लिए निकल भी गए हैं, क्योंकि सुबह सुबह ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए हर एक रेलवे स्टेशन पे देखेंगे तो एक ना एक ट्रेन का जो इंजन होती है वो लगी रहती है। और यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा इस साइड करते हैं, कैमरा रुकिए, और इस साइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे काफ़ी पब्लिक लगी हुई है, मतलब आइट साइड से आ जा रहे हैं। और यहीं से लेकर चलेंगे टिकट काउंटर के पास, आपको टिकट काउंटर भी दिखाना जरूरी है कि कहाँ के पे है। तो ये बोगी जो लगी है आप देख सकते हैं इंजन के साइड में ही, और चलिए दिखाते हैं आपको आगे चल के कहाँ पे है टिकट काउंटर। यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था, मतलब देखिए यह परिषद आपका है, कृपया इसको स्वच्छ रखने में हमारा सहयोग दें, ये मतलब इन्फॉर्मेशन दिया गया है लोगों के लिए। और यहाँ चलते हैं टिकट काउंटर, देखिए यह है जो साइड में इंजन लगी हुई है, और इंजन से इस साइड आते हैं तो यही है देखिए टिकट काउंटर। आप कभी भी आते हैं तो भूलेंगे नहीं, इसके लिए ज़रूरी था ये वीडियो बनाना। देखिए ये दो लोग जा रहे हैं, जो वही है टिकट काउंटर। अब यहां से हम डायरेक्ट चलेंगे प्लेटफार्म नंबर 1 पे, और प्लेटफार्म नंबर 1 पे दिखाएंगे कि क्या सुविधा है और कैसा है। तो देखिए यहाँ से शुरू होता है अपना, और ये 10 लोग खड़े हैं, वहाँ पर पूछताछ केंद्र है, देखिए प्रवेश लिखा हुआ आ रहा है, उसके साइड में ही 10 लोग हैं, वो पूछताछ केंद्र है। तो हमें भी चलना है एंट्री गेट से, और एंट्री गेट से जाते समय हमारे पास एक बैग है, जो कि बैग उस पर रखेंगे, देखिए हैंड दिया मैं, उस पर रखेंगे बैग, और रखने के बाद आगे चलेंगे, क्योंकि वहाँ पे सामान के मतलब जो लगेज हम लिए रहते हैं उसका चेकिंग होता है। तो प्रवेश द्वार की आगे दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे आ गए अंदर, और प्रयागराज जंक्शन आपका हार्दिक स्वागत करता है। और ये है, देखिए कितना मस्त लग रहा है यार, बहुत ही, भारत में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन में भी ये आता है। तो देखिए यहाँ का कितना मतलब, और यहाँ पर देखिए जो भी ट्रेन आने वाली है ना उसका मतलब चित्र बनाया गया है वहाँ पर लाइट द्वारा, कैसे मतलब दृश्य बनाया गया है। ऊपर भी थोड़ा देख सकते हैं आप कैमरे में, देखिए ऊपर चित्र बनाया गया है पूरा, आप देखिए ऊपर कितना अच्छा लग रहा है ना। 2137 तुलसी एक्सप्रेस, जो कि यहाँ से चलकर, प्रयागराज से चलकर बनारस तक जाती है। और देखिए यहाँ एक नंबर प्लेटफार्म, यहाँ एक नंबर पे कुछ मतलब साफ़ सफाई की बात की जाए अगर इस रेलवे स्टेशन पे तो काफ़ी अच्छा है यार। और देखिए उस साइड 2 नंबर दिख रहा होगा, सो हम उतर उतर के नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि एक भाई आ रहा है मुझसे मिलने के लिए, तो वहाँ पे भी जाना पड़ेगा। तो हम चलिए पहले यहाँ चलते हैं डायरेक्ट ओवरब्रिज पे, ओवरब्रिज पे आ गए। तो ओवरब्रिज पे आने के बाद देखिए यहाँ पे प्लेटफार्म नंबर 1, और आगे थोड़ी और दिखाएंगे, यहाँ से देखिए यहाँ से आप जा सकते हैं 3 नंबर 4 नंबर 7 8 नंबर तक, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम थोड़ी दूर और, देखिए यहाँ से एक बार हम व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे बाहर का, देखिए बाहर का व्यू कैसा आ रहा है। और देखिए थोड़ी दूर और आगे चलेंगे, और यहाँ पे देखिए कुंडेदान भी साइड में आपको दिख रहे होंगे, कुंडेदान में आप कभी भी कोई भी यूज करें सामान तो मतलब उसी में फेंके। और यहाँ पे देखिए प्लेटफार्म नंबर का दिया हुआ है लोगों, देखिए आगे थोड़ी और आते हैं, और 4 नंबर 5 नंबर और 2 नंबर 3 नंबर सबका यहीं से है, और 6 नंबर तक यहाँ पे प्लेटफार्म की संख्या बोली जाए तो प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर 6 नंबर तक है। और यहाँ से देखिए 3 नंबर पर जाने के लिए यहीं से है, देखिए यहाँ से अभी ये गेट लग चुका है, गेट है कि कहाँ है यार हमें पता नहीं, चलिए। और यहाँ पे देखिए झिलझिला रहा है, लेकिन हमें देखने में नहीं झिलझिला रहा है, ये मोबाइल में जब कैप्चर करते हैं तो उसी टाइम लगता है कि झिलझिला रहा है, अपराध है, देखिए कुछ लिखा हुआ था। और यहीं से देखिए साइड में थोड़ी और भी बाहर का नजारा, उधर काम चल रहा है उसको हम दिखाने की प्रयास करेंगे आपको,
हम चाहते नहीं है कि हमारी पब्लिक हमसे जुदा हो, मतलब आप लोग कहीं पे छोड़ के जाए। वीडियो देखिए वहाँ पे कार्यभार चल रहा है, रुकिए यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं और चल के दिखाते हैं आपको। यहाँ से रुकिए, इस साइड आते हैं और इस साइड से अब आपको दिखेगा, रुकिए आगे आते हैं। और देखिए यहाँ पे 4 नंबर और 5 नंबर प्लेटफार्म पे जाने के लिए रास्ता है, आप कभी भी आइए तो इसका यूज कीजिए। और देखिए इधर काम चल रहा है, अभी रेलवे लाइन पे कुछ मतलब टूट फूट गया था, उसी के बारे में काम चल रहा है। तो चलिए भाई वीडियो यहीं पे आज का खत्म करते हैं और मिलेंगे किसी और पार्ट में। अभी आपको यही दिखाना था कि कैसा है इलाहाबाद रेलवे स्टेशन, बोले तो प्रयागराज जंक्शन, ठीक है। तो अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और अभी कोई भाई आया है मुझसे मिलने के लिए सो इसी रेलवे स्टेशन पे, तो बाहर वेट कर रहा है, फोन किया था भाई, तो उन्हीं के पास हम जा रहे हैं, ठीक है। राकेश भाई है जो कि प्रयागराज से ही हुआ है, तो फोन किए थे। चलिए बाय बाय, मिलेंगे किसी और वीडियो में नेक्स्ट टाइम। ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।